चलिए अब क्या करें, किसी का जूते से इतना मोह है तो नहीं, मोह उतना मुझे भी है। चलिए आप सबको समर्पित करता हूं, क्या करें, इनका आदेश अध्यादेश होता है, हमारे बड़े भैया जैसे आदरणीय है ना, पूरा मूड है ना, पूरे तबीयत से सुनेंगे ना। चलिए आपके कीमती 6-7 मिनट चाहता हूं। कविता क्या है, मीडिया की उपज है साहब। मेरे 12 सालों में काव्य साधना में जो ईश्वर ने, मुनिराज ने, संतों ने जो सबसे अच्छा दिया, वो आपके चरणों में रखता हूं साहब। मुझे लगता था शायद मैं छूट जाऊं। मीडिया की उपज है, मीडिया आजकल का इतना तेज, इतना तेज, इतना तेज कि घटना घटी और अखबार में छपी, घटना घटी नहीं और अखबार में छपी नहीं। अब तो कभी कभी घटना इंतजार करती कि अखबार में छपे तो हम घटें। मुझे एक छोटी सी घटना याद पड़ती है, मैं मजे के लिए सुनाया करता हूं, कि एक बार एक जंगल में एक बंदर अपनी बंदरिया को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। बंदरिया भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। सुनते सुनते जब बोर हो गई तो बंदर से कहा, इतना ही बहादुर है तो नीचे शेर बैठा है, उसकी पूंछ मरोड़ के दिखा। अब साहब जो बंदर अपनी बंदरिया की बातों में आ जाते हैं वो ऐसा भी कर देते हैं। बंदर आया ताव में, नीचे उतरा, शेर की पूंछ मरोड़ दी। शेर ने सोचा कोई ताकतवर जानवर है तब तो ऐसी बदतमीजी कर रहा है। आंख खोल के देखा तो बंदर शेर का दिमाग खराब हो, लाल लाल आंखें करके बंदर को दौड़ा दिया। अब बंदर आगे आगे, शेर पीछे पीछे, जाए तो जाए कहां, भागते भागते जंगल खत्म हो गया। तो बंदर एक गांव में घुस गया, गांव में भी कहां जाए तो देखा एक टेलर मास्टर अपनी मशीन छोड़ के चला गया था। मशीन के ऊपर अखबार रखा था, अखबार के ऊपर चश्मा। बंदर को जान बचाने का कोई तरीका नहीं सूझा तो उसने जाके चश्मा लगा लिया और कुर्सी पे अखबार सामने करके बैठ गया। अब शेर आया तो भटक गया क्योंकि बंदर पूरा अखबार में ही ढक गया। तो उसने टेलर मास्टर के धोखे में बंदर से ही पूछा, क्यों भाई तुमने इधर से एक बंदर को भागते हुए देखा क्या? तो बंदर ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते अखबार के पीछे से जवाब दिया कि वही बंदर जिसने अभी कुछ देर पहले शेर की पूंछ मरोड़ी। तो शेर हैरान रह गए, बोले छप गई क्या गुरु? इतना तेज मीडिया साहब कि जंगल का राजा शेर तक डरे साहब। तो बस उसी मीडिया से निकली ये कविता साहब। अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति जॉर्ज बुश इराक के दौरे पर गए और एक इराकी पत्रकार जैदी ने उन पर जूता फेंक दिया। बुश पर वो जूता पड़ने के बाद अपने हिंदुस्तान में क्रम चला, कभी इस पर, कभी उस पर, कभी इस पर, कभी उस पर। अभी 10 महीने पहले कांग्रेस के एक नेता को दिखाया गया, चला गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना आप समझ जाएंगे कि मैं जनार्दन द्विवेदी की बात कर रहा हूं। तो जब लगातार नेता जूता जूता नेता चला तो लोगों ने जूते को बधाई दी, जूते भाई बधाई। तो मैंने भी बधाई दे दी, मैंने कहा मेरी बधाई स्वीकार करो। मेरा इतना सुनना था कि जूता रोया फूट फूट कर। मैंने कहा क्यों रो रहा? बोले तमाम लोगों ने बधाई दी, अफसोस नहीं हुआ, लेकिन जब तुम्हारे जैसा कवि मुझे इस बात के लिए बधाई देता है तो दिल टूटता है। और आज तक हिंदुस्तान के किसी कवि ने मुझे कविता लिखने का विषय ही नहीं समझा। तुम चूड़ियों के शहर जा रहे हो अच्छे लोगों के बीच, अगर मेरा दर्द रख पाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मेरे अच्छे लोगों, अच्छा सुनते हैं आप लोग, जूते का दर्द रखता हूं। एक पल के लिए मान लें कि जूता आपसे बात कर रहा है, बस जूते का दर्द अशोक सुंदरानी की जुबानी। बस ऊर्जा में कमी, कोई बात कलेजे में ठक से लग जाए तो भरपूर प्यार पहुंचे कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए। दो ही तीन चीजों से बनता जूता, आपके आसपास कानपुर भी है, आगरा भी है, समझाने की जरूरत नहीं। कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए, किसी का बहुत प्यार आया तो हम सितारों में भी जड़े गए। हमने आदमियों की तरह कभी फर्क नहीं रखा अपनों में और गैरों में। हम जितने समय तक भी रहे ईमानदारी के साथ रहे लोगों के पैरों में। हमने नुकीले पत्थरों का दर्द भी अपनी छाती पर सहा, लेकिन प्रतिरोध के स्वर में कभी भी एक भी शब्द उफ का नहीं कहा। आप लोगों ने, आप लोगों ने, आप लोगों ने इतने लंबे समय के त्याग तपस्या और बलिदान का हमें ये क्या सिला दिया? हमें कोई पुरस्कार देने के बजाय उल्टे हमारा कलेजा ही जला दिया। और हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे, यार फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया?
भाई कमाल है आप लोग तो भाई, इतनी ऊर्जा भरी शुरुआत दी है तो आगे चल करके तो तालियों का परमाणु विस्फोट डाल देंगे आप मेरी झोली में, पूरा भरोसा है मुझे। इतनी शानदार शुरुआत कि हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे यार, फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया? क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है, उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। और अब इतिहास संभालें, बहुत अच्छा सुनना, मैं सैल्यूट करता हूं आपको। अब इतिहास संभालें कि हम स्कूल जाते हुए बच्चे की प्रथम चाह बने, हमने पहुंचाए लोगों के पैरों को हमेशा आराम, हम नहीं कभी भी किसी के लिए आह बने, हमने खोजी खेतों के बीच में से भी पगडंडियां, लड़खड़ाते कदमों की हमेशा राह बने, और हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। और कविता की दो प्राण पंक्तियां देता हूं, आपकी तालियां बजाने की क्षमता ऊर्जावादी तीनों एक साथ देखना चाहता हूं, बस मायूस मत कीजिएगा, कि हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन, हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन दोनों को बराबर सह के लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया, और जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों से तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। भाई क्या सुनते हैं, सैल्यूट करता हूं आपको, जब सैल्यूट करता हूं आपको, सैल्यूट करता हूं सुनने के जज्बे को। अब 1.5 मिनट में संभाल लें जूते का दर्द साहब। प्रमोद जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, वाकई ये आपको सुनाए बिना जाता तो शायद मेरे को भी तसल्ली नहीं होती। 1.5 मिनट में संभाल लें जूते का दर्द की आज़ादी के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद, महात्मा गांधी जी के प्रयास से कहें, अम्बेडकर जी के प्रयास से, या तमाम संतों के प्रयास से, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला आप लोगों का प्यार, मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार। तो भाई साहब हमने तो सदियों से बिना किसी स्वार्थ के अनवरत लोगों को मंदिरों की सीढ़ियों तक पहुँचाया, फिर हमारा क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया? माफ करें ये तालियों की पंक्तियां नहीं थी, बहुत लोग असहमत हो सकते हैं, फिरोजाबाद के अच्छे लोगों, अब आपकी हिम्मत देखना चाहता हूं कि आप अपने ऊपर भी तालियां बजाने की हिम्मत जुटा पाते हैं कि नहीं। फिर हमारा क्या गुनाह था, क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया? तो आप सब भाई साहब आप सब तर्क देंगे कि हमारे ऊपर थोड़ी सी धूल, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी गंदगी है, इस कारण मना है मंदिरों में प्रवेश और वर्जित खुदा की बंदगी है। तो जो सवाल मेरे सीने में दफन था जाने कब से, चूंकि आज इस धार्मिक वातावरण में प्रसंग आ गया है, तो बड़ी मासूमियत से पूछता हूँ आप सबसे कि थोड़ी सी धूल मिट्टी और गंदगी के कारण हम बाहर ही सीढ़ियों पर पड़े रह जाते हैं, और आप सब लोग अपने मन में ईर्ष्या छल कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं साहब। और अगली चार पंक्तियों में व्यंग वेदना करुणा ठाका चारों चीज एक साथ आ जाए, जितना अच्छा आप लोग व्यंग को पकड़ रहे हैं ना, भगवान की कसम हो सकता है चौथी पंक्ति मेरी जुबान पे ही रह जाए, तीसरी पंक्ति से ही तालियों ठाकों का महोत्सव हो जाए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग कि आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या छल कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। इस बात का नहीं हमें कोई गिला कि हमें इस जमाने से क्या मिला क्या नहीं मिला, हम सीढ़ियों के बाहर धूल मिट्टी गंदगी में जहां पर भी पड़े हैं, कुछ आदमियों के कारण, कुछ आदमियों की नजरों में हम उस स्थिति में भी देवताओं से बड़े हैं। ये बात जूता छाती ठोक कर कहता है, क्योंकि मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करते समय अधिकांश लोगों का ध्यान, भाई क्या बात है, कमाल है साहब आप लोग, अधिकांश लोगों का ध्यान भगवान से ज्यादा हम जूतों पर रहता है, क्योंकि उन सब का मानना है प्रत्येक क्षण प्रति पल कि भगवान के दर्शन आज करो या कल, भगवान तो यही मिलेंगे। आपने लिखी क्या कविता, आपने लिखी क्या? देखो सर जी, समझदार दर्शनार्थी वही होते हैं जो नए जूते चप्पल पहन के परिवार के साथ मंदिरों में जाते हैं, तो अपने जूते चप्पल उतार कर ऐसी जगह रखते हैं जहां से भगवान भी दिखे।
नहीं, ये कोई अनुभव की बात है। मेरी पत्नी भी धार्मिक है, पूरे नवरात्रि के व्रत चलते नंगे पैर मंदिर जाती है भगवान की कसम, लेकिन जब लौटती है तो पैर में चप्पल रहती है। ये धार्मिक धार्मिक वातावरण है अपने देश का साहब। लेकिन वह माँ सरस्वती जब आशीर्वाद देती तो कहती है, कविता वहां ले जाकर के खत्म करना जहां इतने बड़े लोग नीचे बैठ करके प्यार और श्रद्धा के साथ सुनते हैं। अंतिम चार पंक्तियां, क्लाइमैक्स सौंपता हूं, संहार आपको सौंपता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊर्जा बढ़ाइएगा तालियों की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां कहां नहीं पहुंचे, हमें तसल्ली और खुशी इस बात की है कि हम कहां कहां पहुंचे। हम लोगों के मकान, लोगों की दुकान, लोगों के कारखाने, लोगों की मिल तक पहुंचे। भाई साहब हम ही थे जो जिद पर आए तो लोगों के जिगर, लोगों के दिल तक पहुंचे। और जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। जब हम पड़े 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 और आखिरी आखिरी दो पंक्तियां साहब, आखिरी दो पंक्तियां इसी ऊर्जा के साथ सुन लीजिए। बड़े टूटे मन से लिखी, लेकिन कवि नहीं लिखेगा तो कौन लिखेगा, हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा, और इस मंच पे नहीं कहेंगे तो कहां पर कहेंगे। बहुत टूटे मन से लिखी, लेकिन सामने जब घटित होता है तो लिखना पड़ता है कि जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। भरोसा था हमें, विश्वास था हमें, जब तक हम हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में हैं दुश्मन सैनिक हमारे भारतीय सैनिक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारा सैनिक एक हाथ में तिरंगा और बंदूक लेकर जरूर 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 सरहद के उस पार जाएगा, लेकिन तभी मेरे विश्वास की किरण गहरे अंधेरे में कहीं जाकर के फंस गई। दुश्मन सैनिक की गोली आई और मुझे और मेरे विश्वास को चीरती हुई उस भारतीय सैनिक के पैरों में धस गई। तब पहली बार समूचा ये गरिमा में सदन माफ करे मुझे, तब पहली बार समझ जूता संस्कृति को भूल कर पहली बार मेरी जुबान पर कोई बड़ी भद्दी सी गाली आई थी, क्योंकि किसी भ्रष्ट नेता ने मेरी खरीद तक में दलाली खाई थी। पहली बार। इसके बाद भी भाई साहब ये जहां हैं भले हैं चंगे हैं, इन्हीं के कारण देश की आधी आबादी के लोग भूखे हैं नंगे हैं, इन्हीं के कारण सारे झगड़े फसाद और दंगे हैं। दंगा इनके लिए सिर्फ कुर्सी का खेला है, और इन दंगों को मासूमों ने और हमी ने सबसे ज्यादा झेला है। पिछले दंगे के बाद जब नेताजी ने अपनी कुर्सी मासूमों के खून से धोई थी तो सीता की चप्पल सलमा के सैंडल के गले लिपट करके फूट फूट कर रोई थी। इसलिए अगर हम कपड़े के हैं चमड़े के हैं तो हमें काटिए छांटिए, बेशक अपने पैरों में लाने के लिए कई टुकड़ों में बांटिए। अगर हम प्लास्टिक या नायलॉन के हैं तो हमें बेशक तपती भट्टी की आंच में जलाइए गलाइए, लेकिन भगवान के लिए हमें इन भ्रष्ट नेताओं पर मत चलाइए, हमें इन भ्रष्ट नेताओं पर मत चलाइए, हमें इन भ्रष्ट नेताओं पर मत चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, और आइए तालियों का शोर रोकिए मत बल्कि और बढ़ाइए। मैं वैद्य व्रत वाजपेयी जी को बुलाना चाहता हूँ, एक बार पुरजोर तालियां आसमान से ऊंची आपकी तालियां उठें, और आदरणीय पंडित वैद्य व्रत वाजपेयी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ।